बिरजा भूषण शरण सिंह अपने परिवार की महिलाओं को ऐसे खुली जगह पे किसी पर झूठा यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए बिठा दे, हम चंदा करेंगे देश से उसका। सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनता था ये अधिकार क्षेत्र, तो क्यों फिर इसको सुनवाई के लिए लिया? उसे हाई कोर्ट इसलिए ट्रांसफर कर दिया ताकि किसी भी तरीके से 10 मई का जो वोटिंग का दिन है उसे टाला जा सके, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने FIR तब्दील न करने वाले को दंडित क्यों नहीं? हमारे देश के संविधान के, लोकतंत्र के, महिलाओं के अधिकार के लिए और हमारे देश के ये यौन शोषण पीड़िताओं के लिए काला दिवस है। जो बृजभूषण शरण सिंह ने यह शब्द कहा, मुझे लगता है कि इससे घिनौना चरित्र किसी मानवता का हो नहीं सकता है। ये इतना झूठ बोलने वाले लोग हैं देशवासियों, समझो, जो इतना झूठ बोलते हो कल्पना कीजिए उनके देह में, नसों में, वाणी में, व्यवहार में झूठ पर झूठ पर झूठ बसा हुआ। ये जिसका भक्त है वो पेशे पर बलात्कारी रहा है आसाराम। मैं जो बोल रहा हूँ तो मोदी मेरे पर मुकदमा कर सकते हो, मैं झूठ बोलूं तो? नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं भूपेंद्र रावत, जो लगातार जब से पहलवान धरने पे तब से ये लगातार उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं। 12वां दिन है आज और लगातार प्रदर्शन हो रहा है, और रात में दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में झड़प हुआ जिसमें 2 पहलवान घायल भी हो गए। हम इनसे बात करेंगे कि आपको क्या लग रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस और पहलवानों में झड़प हुआ है इसे क्या कहेंगे आप? नहीं, झड़प कैसे हुआ, ये धरना चल रहा है, झड़प का क्या मामला था? आपको शिखा एक बात बता दूं आपके दर्शकों को कि 28 तारीख से सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया था, वहाँ आज एक मामले पर चर्चा होनी थी। उस पूरे मसले से ध्यान भटकाने के लिए क्रोनोलॉजी का हिस्सा था, कर्नाटक में चुनाव के पोलिंग से पहले बृजभूषण शरण सिंह को किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जेल नहीं भिजवा रहे हैं, उनकी पुलिस हाथ नहीं डाल रही है, एक बड़ा मामला है। और इसका सबसे बड़ा दोष अगर किसी का है तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश का है। मुख्य न्यायाधीश ने, ये हमारे देश का कानून है, आप दर्शकों को मैं बता दूं कि कोई भी यौन शोषण की पीड़िता, उसको किसी भी थाने में जाना हो वो शिकायत करेगी और पुलिस का दायित्व बनता, जिम्मेवारी बनती है FIR दर्ज, एक रिपोर्ट दर्ज करने की, शिकायत दर्ज FIR की। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए वक्त तय किया 28 तारीख को और कहा FIR दर्ज कर लो, तो मैंने भी कहा था सड़क पर बैठ करके, अरे भाई कानून है, कौन सा बड़ा काम किया? बड़ा काम ये था कि मुख्य न्यायाधीश शिकायत को FIR में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मी को जेल में डालने का आदेश अगर दे देते तो आज बृजभूषण शरण सिंह जेल में होता और यहाँ पुलिस को इस प्रकार का जो पटकथा लिखी है, DCP जो कह रहा है कि 5 हमारे घायल हुए हैं, अब समझो पहले उनका तो पीठ है बड़ा, तो इस पूरी प्रक्रिया को आप समझिए। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने उसे हाई कोर्ट इसलिए ट्रांसफर कर दिया ताकि किसी भी तरीके से 10 मई का जो वोटिंग का दिन है उसे टाला जा सके, भाजपा के वोट बैंक को बचाया जा सके, ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने FIR तब्दील न करने वाले को दंडित क्यों नहीं किया? लेकिन वकील जो यहाँ पे मौजूद थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने कहा है कि लोअर कोर्ट का ही मामला, पहले लोअर कोर्ट इसको देखेगा, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। देखिए शिखा, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ किस अदालत ने देखा, सुप्रीम कोर्ट में मामला ये गया कि यौन शोषण की पीड़ित लड़कियों की लिखित शिकायत तनाज पुलिस थाने में दर्ज है और उस पर सुनवाई करने की बात थी, उसको उस पर FIR दर्ज कराने की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनता था ये अधिकार क्षेत्र, तो क्यों फिर इसको सुनवाई के लिए लिया? उसी समय बोलना था कि इसको हाई कोर्ट भेजो। मैं फिर कहना चाहता हूँ कानून क्या कहता है, मैं भूपेंद्र रावत क्या कहता हूँ, नहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या भूमिका अदा की, नहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नड्डा क्या कहते, नहीं। मामला यह है कि वहाँ 0 FIR दर्ज होती है, नहीं की गई है, नहीं कराई है, और यह संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने। भाजपा RSS का तो यह है कि कर्नाटक का वोट बैंक बचाने के लिए यौन शोषणकर्ता को जेल में गिरफ्तार नहीं करवाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश का ये जो भूमिका है, इसके 3-4 कारण हो सकते हैं, या तो जस्टिस लोया की हत्या का डर है, या पेगासस के दायरे में आकर के कहीं कुछ गड़बड़ है मामला, या फिर राज्यसभा का लालच हो सकता है, एक मिनट, राज्यसभा का लालच हो सकता है, या भाजपा का वोट बैंक बचाने का षड्यंत्र, इन चार में से चारों के चारों में जो भी है वो हमारे देश के संविधान के, लोकतंत्र के, महिलाओं के अधिकार के लिए और हमारे देश के ये यौन शोषण पीड़िताओं के लिए काला दिवस है। और यही नहीं, इससे पहले किरण नेगी के बलात्कारी, जिनको हत्यारे, जिन्होंने गैंगरेप किया था, उनको जमानत में देना, बीच में आपने देखा बिल्किस बानो का, हालांकि दोबारा से उसका मामला सुनवाई हो रहा है,
लेकिन फिर मैं सवाल करता हूं बिल्किस के मामले में भी देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर उसके बलात्कारी हत्यारों को रिहा करना देश के हमारे देश में समझो। मुद्दे पे आते हैं रावत जी, मुद्दा ये है कि बृजभूषण सिंह के तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। पहले ये महिला रेसलर बोलती थी 100 के साथ शोषण किया, फिर कहती है 1000 के साथ शोषण किया, मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, इस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए, अब क्योंकि जो बृजभूषण शरण सिंह ने यह शब्द कहा, मुझे लगता है कि इससे घिनौना चरित्र किसी मानवता का हो नहीं सकता है। दूसरी बात, जब ये लड़कियां ये भी कह रहे हैं कि हम अपना नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तुम भी अपना नार्को टेस्ट करा लो, तो बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहा था 20 जनवरी को कि मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगा, तो मुझे लगता है उस सुनामी में मोदी बहने वाला है, अमित शाह नड्डा बोलने बहने वाला है, क्योंकि उसने कहा, बृजभूषण ने कहा कि भाई ये तीनों में से कोई बोल दे तो मुझे लगता है या तो सुनामी में बहने वाले हैं, या तो ये यौन शोषणकर्ता को बचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इनके मन में देखो, जिस परिवार से ये हैं, संघ परिवार से, उसमें महिलाओं के लिए ना कोई सम्मानजनक स्थान है, उसके गठन से लेकर आज तक मैं कह रहा हूँ, अभी मोहन भागवत हैं, शुरू में केशव हेगड़े वातान का, तब से लेकर के, तो हो सकता है कि महिलाओं के प्रति अनादर रखने वाले हों, ये भी एक कारण हो सकता है, वोट बैंक का खेल हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा दायरा बताया जाता है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, और इन सब कारणों में से जो भी कारण है, लेकिन दुखद है, और कर्नाटक का वोट बैंक बचाने का। उन्होंने ये भी कहा है कि एक महिला जब रेसलिंग करने के लिए गई थी तो वहाँ उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो हमने अपना मोबाइल फ़ोन दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरा धन्यवाद करने के लिए मुझे गले लगाया, और जब वो असहज महसूस करने लगी तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ। देखिए शिखा, किसी ने अगर गले लगाने तक की ही मसला है तो मुझे भी लगता है कि हम सब लोग पागल थोड़ी यहाँ खड़े होते। मामला इससे बहुत ऊपर का है, बहुत ऊपर का। मुझे लगता है कि बिनेश का, साक्षी का बयान सुनना चाहिए देशवासियों को, जो उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी जुबान, उनकी आंखों से झलकता है, उनके साथ जो कुछ हुआ बहुत अनर्थ हुआ। देखिए वो बृजभूषण शरण सिंह, जिसकी मुट्ठी में नरेंद्र मोदी अब तो ये भी कह रहा है ये मोदी सरकार के खिलाफ है, मतलब हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, यौन शोषण उनका हुआ, वो अगर सड़क पर हैं तो मोदी सरकार के खिलाफ है, जबकि उनकी बात यहां पर बृजभूषण के खिलाफ है। दूसरी बात है, वो क्लियर करे कि कौन एक बृजभूषण को बदनाम कराने के लिए कोई 100 करोड़ रुपए लेकर के यहां चौराहे में बैठेगी क्या? जरा बृजभूषण शरण सिंह अपनी आत्मा पे हाथ रख के कहे, बृजभूषण शरण सिंह अपने परिवार की महिलाओं को ऐसे खुली जगह पे किसी पर झूठा यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए बिठा दे, हम चंदा करेंगे देश से, उसका देशवासियों से कि भैया चंदा दो। हम फिर आपको कहना सीखा, 35 साल का सामाजिक अनुभव है, और मेरे पास दुखद है कि उन महिलाओं का भी मामले आए हैं जो देह व्यापार करती हैं, लेकिन मैंने कभी भी देह व्यापार करने वाली महिलाओं को भी इस तरीके से खुले में यौन शोषण के आरोप लगाते हुए नहीं देखा। ओलंपिक पदक विजेताएं बेटियां हमारे देश में ऐसा करेंगी, उसने कई बार कहा, कभी वो जाति की बात करता है, क्षेत्र की बात करता है, यहाँ सब राज्यों के लोग यहाँ आए हुए, ठीक है, ये राज्य का मामला भी नहीं है, ये क्षेत्र का मामला भी नहीं है, कभी कह जाता है कि ये परिवार का मामला है, बिल्कुल यहाँ पर ये जरूर है कि पर ये संघ परिवार का मामला जरूर है, जिसमें ना तो देश की महिलाओं के लिए सम्मान है ना स्थान है, इसीलिए संघ का प्रचारक रह चुका नरेंद्र मोदी की सरकार उस मसले को नहीं सुन रही है, इन बेटियों की बात को नहीं सुना जा रहा है, और दुख और अफसोस के साथ है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने भी इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया। खिलाड़ी की जब चोट आ जाती है तो मोदी जी तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन अभी इतना बड़ा मामला हो गया और मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया। देखिए ट्वीट छोड़िए, मन की बात की मोदी ने, सवी मन की एक भी आप तैयारी कर रहे हैं, सवी मन की बात की, ये बेटियां खुले आसमान के लिए, बेटियों के प्रति रत्ती भर भी अगर जगह होती इस इंसान के मन में तो इनकी बात करता। इसी समय पुलवामा का मसला भी है, सत्यपाल मलिक ने 40 जवानों की हत्या करवा दी थी, उस मसले को उठाया, जवानों के प्रति अगर जगह होती रत्ती भर भी। मुझे आज भी ध्यान है, हमारे देश में एक फिल्म इंडस्ट्री का नायक था, वो नशा उसा भी करता था और आदि था, और उस व्यक्ति ने आत्महत्या के सुशांत राजपूत की आत्महत्या की सूचना पर नरेंद्र मोदी ने 1.5 मिनट बाद ट्वीट किया था, और गलवान घाटी में मैं 13 जून की बात आई, और 15 जून को 20 की बात कर रहा हूँ, हमारे 20 निहत्ते जवानों की हत्या कर दी, 76 घायल थे, और यकीन करोगी 17 तारीख तक प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला, 17 तारीख को फिर 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर लिए चीन से कर्जा,
और 19 तारीख को कहा हमारी चिता जल रही थी हमारे देश के जवानों की, जो 76 अदमरे थे उनकी देह पर घाव थे वो इलाज करा रहे थे, और मोदी कह रहे थे ना कोई घुसा ना घुसाया ना क्यों। तो फिर आपने पाकिस्तानी ऐप बंद क्यों किए? ये इतना झूठ बोलने वाले लोग हैं देशवासियों समझो, इनका एक आका है सावरकर, वो कबूतर वो बुलबुल में बैठ के भारत भ्रमण करता था, कल्पना कीजिए अगर बुलबुल में कोई बैठ सकता हो। सीखा मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा मोदी को, नरेंद्र मोदी पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक बुलबुल पर बैठ के जाए इनका कोई भी संगी, मैं 10,000 रुपये इंडिया गेट पे इनाम दूंगा। जो इतना झूठ बोलते हो कल्पना कीजिए उनके देह में नसों में वाणी में व्यवहार में झूठ पर झूठ पर झूठ बसा हुआ है। इतने लोकप्रिय नेता को आप इस तरीके की बात कह रहे हैं, कहां लोकप्रिय? पटल पे भारत नाम रोशन। मेरे मुख से आपने सुना, मैं नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता हूँ यकीनी तौर पर बताऊँ, घृणा करता हूँ उस व्यक्ति पर, उसका कर्म बताता हूँ। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र है गुजरात के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का, जब ये मुख्यमंत्री था उसने गुजरात की एक बेटी का अपहरण करवाया एयरपोर्ट से, और 2 दिन तक मुख्यमंत्री के आवास में मोदी के बेडरूम के साथ बेटी को बंधक बना के रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र ऐसे मत करिए। और ये जिसका भक्त है वो पेशेवर बलात्कारी रहा है आसाराम, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। 2013 में उसकी भक्त की नाबालिग बेटी ने मुकदमा दर्ज कराया और उसमें गवाह था इसका खनसामा, और खनसामा ने कहा 2002 का जिक्र किया, 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। आसाराम को उस दिन कोई भक्तों की परिवार की बेटी नहीं मिली, उसने वहाँ आश्रम में रहने वाले एक साध्वी मुँह बोली बेटी के साथ बलात्कार किया, और वह मुँह बोली बहन थी खनसामा की, और उसने खनसामा के पास जब रो के कहा तो खनसामा ने को उसने बताया कि गुफा में जाके देखना, और अगली रात को वो जब वहाँ गुफा में देखने गया वो 3 लड़कियों पर 2002 में। जोधपुर कोर्ट में है ये मामला शिकायत, मैं जो बोल रहा हूँ तो मोदी मेरे पे मुकदमा दर्ज कर सकते हो, मैं झूठ बोलूँ तो मोदी वहाँ 3 लड़कियों पर पागल कुत्ते की तरह झपट रहा था, उसके बाद से उस खनसामा ने उसके हाथ से काम छोड़ दिया, उसे भगवान मानता था। अब आप समझ लीजिएगा जो पेशेवर बलात्कारी को अपना गुरु बताता हो, किसी अच्छी लड़की को मुख्यमंत्री रहते हुए अपहरण कराता हो, वो ओलंपिक वही सुनो है। इसका मतलब है जो देश में बेटियों की बात संविधान की बात इंसान की बात करेगा ये कांग्रेस करते हैं, तो मैं कांग्रेस को बधाई देता हूँ, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। फंडिंग आ रही है, एक मिनट हमारे देश में तब जब ये मुकदमा दर्ज हुआ संत आसाराम पर, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, इनका संत मुकदमा दर्ज हुआ पेशेवर बलात्कारी पर, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आज बलात्कारियों के समर्थकों की सरकार है, इसलिए ओलंपिक पदक विजेता यहाँ बैठी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यौन शोषण करता गिरफ्तार नहीं हो रहा है। आरोप लग रहा है कि इनको 100 करोड़ 200 करोड़ दे के कितनी तोता की तरह बोलोगी। मैंने बोला, मैंने ब्रजभूषण से कहा चुनौती देता हूँ अपने परिवार की महिला को चौरा पर बिठा झूठा यौन शोषण आरोप लगाने के लिए, मैं चंदा जुटवाता हूँ, मैं भूपेंद्र रावत चंदा जुटवाऊंगा। देख सकते हैं भूपेंद्र रावत ने तरह तरह के इल्जाम लगाए भाजपा पे, हम लगातार हमलावर हैं, जब से ये लोग रेसलर जो हैं धरने पे तब से भूपेंद्र रावत इनके समर्थन में है, और लगातार बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनको कब न्याय मिलेगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यहीं पर रहेंगे, इनके समर्थन में ही बोलेंगे। आप लोग इस पूरी खबर पर क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।